प्रथम तहलका न्यूज। इस बात के लिए बड़ी खबर रोहतक से। बता दें कि रोहतक में आज के दिन अन्न उत्सव मनाया गया। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये अन्न उत्सव मनाया गया है। और बता दें कि भाजपा सांसद के द्वारा लाभार्थियों को 5-5 किलो गेहूँ बांटा गया है। माता दरवाजा चौक के नजदीक राशन डिपो पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राशन बांटने की योजना केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई थी, तो वहीं अब अन्न उत्सव के तहत लाभार्थियों को 5-5 किलो गेहूँ बांटी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि रोहतक में आज के दिन अन्न उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यह अन्न उत्सव मनाया गया है और भाजपा सांसद के द्वारा लाभार्थियों को 5-5 किलो गेहूँ बांटी गई है। बता दें कि माता दरवाजा चौक के नजदीक राशन डिपो पर यह कार्यक्रम रखा गया था और लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राशन बांटने की जो योजना केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई थी, तो वहीं अब इसी के तहत रोहतक में अन्न उत्सव मनाया गया है और भाजपा सांसद के द्वारा लाभार्थियों को 5-5 किलो गेहूँ बांटी गई है। इस बात के लिए बड़ी खबर रोहतक से। बता दें कि रोहतक में आज के दिन अन्न उत्सव मनाया गया। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये अन्न उत्सव मनाया गया है और बता दें कि भाजपा सांसद के द्वारा लाभार्थियों को 5-5 किलो गेहूँ बांटा गया है। माता दरवाजा चौक के नजदीक राशन डिपो पर यह पूरा कार्यक्रम रखा गया था। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राशन बांटने की योजना केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई थी, तो वहीं अब अन्न उत्सव के तहत लाभार्थियों को 5-5 किलो गेहूँ बांटी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि रोहतक में आज के दिन अन्न उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यह अन्न उत्सव मनाया गया है और भाजपा सांसद के द्वारा लाभार्थियों को 5-5 किलो गेहूँ बांटी गई है। बता दें कि माता दरवाजा चौक के नजदीक राशन डिपो पर यह कार्यक्रम रखा गया था और लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राशन बांटने की जो योजना केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई थी, तो वहीं अब इसी के तहत रोहतक में अन्न उत्सव मनाया गया है और भाजपा सांसद के द्वारा लाभार्थियों को 5-5 किलो गेहूँ बांटी गई है। गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न उत्सव मनाया गया है, क्या योजना है और किस तरह इसका लाभार्थियों को लाभ मिलता है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के उत्सव अन्न उत्सव पूरे देश में इसमें मनाया जा रहा है और इसका मकसद यही है कि जो लोग कहीं रोग रह ना गए हों उनको भी जागरूकता आए। 80 करोड़ लोगों को पिछले अप्रैल से माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच कि अब मेरे देश में कोई भी भूखा ना सोए। जब कोरोना की महामारी आई तो लॉकडाउन आया, लेडी साहब कहाँ गए? बोला लेडी साहब, जो कोरोना की महामारी में जैसे ही लॉकडाउन लगा प्रधानमंत्री ने तुरंत इस योजना का इसकी घोषणा की कि 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल, जिस स्टेट में जो है किसी स्टेट में गेहूँ और किसी स्टेट में चावल, जहाँ जैसी ज़रूरत है, हर एक परिवार के हर सदस्य को, अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 25 किलो अनाज उसको हर महीने मिलेगा। और ये योजना दिवाली तक इस योजना को बढ़ाया गया है और पिछले साल से, पिछले अप्रैल से योजना चली है। इसका योजना का मकसद यही है कि कोई भी देश में भूखा ना रहे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने रोहतक की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। करीबन 4.5 लाख के करीब इसमें लाभार्थी है रोहतक में और बहुत अच्छे तरीके से इस योजना का लाभ जो उनको मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जैसे गरीब लाभार्थी जो हमारे हैं, अंत्योदय अन्न योजना, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अदर प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इनके एलिजिबल लाभार्थियों को 5 किलो गेहूँ पर मंथ पर मेंबर दिया जाता है। जितने इसके मेंबर होंगे फैमिली में, जैसे किसी के अगर फैमिली में 5 मेंबर हैं तो उसको 25 किलो गेहूँ पर मंथ मिलेगा। और ये योजना पहले इन्होंने मई जून में शुरू कराई थी इस बाल, और उन्होंने एक्सटेंड करके कोरोना महामारी को देखते हुए इसको एक्सटेंड करते हुए नवंबर तक कर दी है। लास्ट ईयर भी ये योजना अप्रैल से नवंबर तक चली थी, इस बार भी ये मई से नवंबर तक चल रही है। अच्छा, ज़िले की बात की जाए तो कितने लाभार्थी जिले में? रोहतक ज़िले में जी 1,07,000 राशन कार्ड के तहत 4,42,115 लाभार्थी इसके इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। आपका? सतपाल। अच्छा सतपाल जी, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कैसी योजना और कितना राशन आपको? राशन मिल रहा है जी, बरोबर मिल रहा, सही मिल रहा। अच्छा, कैसी योजना, कैसी है? अच्छी योजना, बहुत अच्छी योजना है। अच्छा, पहले क्या दिक्कत आती थी? ना, कोई दिक्कत नहीं है पहले, अब सही मिल रहा है। जब से योजना चली है लॉकडाउन के टाइम पे भी मिला है, सब कुछ मिला, सही मिला जी। तो ये राशन मुफ्त दिया जा रहा है? हाँ, ये जो गेहूँ मिलते हैं 5 किलो, ये फ्री मिलते हैं। प्रधानमंत्री